कोरोना के मामले देश में कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे देश में चारों तरफ कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। अब तो देश में कोरोना के मामले 4 लाख से ऊपर चले गए हैं। हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की कमी हो गई है। कोरोना की वजह से कई राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया है। लोगों के पास काम करने का कोई जरिया नहीं है। खासकर उन लोगों को ज्यादा ही परेशानी हो रही है जो लोग रोज कमाते थे और रोज खाते थे। ऐसी ही कुछ स्थिति है घाटी यानी कि कश्मीर की, जहां पर लोगों के पास खाने तक के लिए नहीं है और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं कश्मीर के कुछ युवा। ये युवा उन जरूरतमंदों को खाने की सामग्री पहुंचाते हैं जिनको इनकी जरूरत है। ये दरवाजों पर जा जाकर खाने का सामान पहुंचाते हैं ताकि वो लोग इस महामारी के बीच भूखे ना रहें। मैंने डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स, अपने पर्सनल फ्रेंड्स रिलेटिव से डोनेशन लिया, लाइक पर्सनल डोनेशंस, तो उससे हमने डिफरेंट फूड किट्स बनाए जिसमें बहुत सारे डेली नीड्स के आइटम्स थे वो हमने उसमें डाले। लेकिन हमने इसमें एक चीज़ रखी है कि हमारा कोई पर्सनल ये नहीं कि कोई रिलीजन, हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब एक ह्यूमैनिटी बेस्ड ये है इवेंट है जिसपे हम फूड किट्स एसेंशियल्स घरों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोविड पेंडेमिक चल रहा है। बहुत सारे घर ऐसे हैं, मैं कुछ ऐसे घरों से मिला जिनके पास खाने को इफ्तारी के बाद कुछ भी नहीं था, प्रॉपर इफ्तारी भी नहीं थी। दरअसल कश्मीर में भी कोरोना की सेकेंड वेव आने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके कारण वहाँ के ऐसे लोग जो रोज मजदूरी पर निर्भर थे और इसी मजदूरी से वो अपना परिवार चलाते थे, ऐसे लोगों को लॉकडाउन लगने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन लोगों की मदद के लिए श्रीनगर के कुछ यूथ एक एनजीओ के सहारे जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचा रहे हैं। इन एनजीओ के पास कॉल आते हैं, उस आधार पर वो लोगों के घर तक सामान पहुँचाते हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जो कि मेल्स को कंटैक्ट नहीं कर पाती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उनसे शेयर नहीं कर पाती, तो उसके लिए दे कैन कंटैक्ट मी। जब आपके पास कॉल आता है एक लेडी बात करती, तो उसके बाद क्या प्रोसेस करते हैं? सबसे पहले हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो कंफर्टेबल हो, वो अपनी जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है हमसे शेयर कर पाए आराम से, उसको ये ना लगे कि वो किसी ऐसे इंसान से बात करिए कि जिसके साथ वो अपनी चीज़ें डिस्कस ना कर पाए। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि वो कंफर्टेबल हो, आराम से अपनी सारी नीड्स हमें बता सके, तो फर्दर मोर हम ये देखते हैं कि हम किस किस एंगल से उनकी हेल्प कर सकते हैं। श्रीनगर में रमजान का माहौल है जिसके कारण कई लोगों के पास इफ्तारी करने के लिए भी घर में सामान नहीं है। उन लोगों को ये एनजीओ घर तक खाने का सामान डिलीवर करता है। वहीं इनका कहना है कि हम हर धर्म के लोगों तक ये सामान पहुंचाते हैं, खास करके उनको जिनको वाकई में इसकी जरूरत है। इस कोरोना महामारी में ऐसे ही लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं और इसे ही कहते हैं माई इंडिया माई ड्यूटी। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।